हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक डिज़ाइनर ब्लाउज जो मैंने दो कपड़े में तैयार किया है। यहाँ मैंने नेट का और कॉटन का फैब्रिक यूज़ करके तैयार किया है। ये ब्लाउज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ ज़रूर कर लें। सो फ्रेंड्स, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं इसकी मार्किंग आपको अपने कपड़े पे बता देती हूँ। तो इस तरीके से आर्मोल तक आपको नेट का फैब्रिक यूज़ करना होगा और हमारा टोटल ब्लाउज का लेंथ रहेगा 16 इंच। तो इस तरीके से 6.5 इंच मेरा नेट का कपड़ा रहेगा और जो बॉटम का कपड़ा रहेगा वो मेरा 9.5 इंच होगा। लेकिन आपको एक इंच एक्स्ट्रा लेके इसे कट करना होगा। तो फ्रेंड्स, आप कट कर लिया है और जो बॉडी का मेजरमेंट रहेगा आप अपने बॉडी के हिसाब से ले लीजिए। इस तरीके से वन अबव द अदर प्लेस करते हुए आप इसे स्टिच कर लीजिए। स्टिच करने के बाद आप इसे एक हाफ में फोल्ड कर लीजिए। ये मेरे ब्लाउज का फ्रंट पार्ट है। इस तरीके से आपको कोई भी कुर्ती या टॉप फोल्ड करके फोल्डेड साइड पे प्लेस करते हुए अपना शोल्डर, आर्मोल्स और साइड की फिटिंग ले लीजिए। साइड की फिटिंग आप थोड़ा ज्यादा लीजिए क्योंकि मेरे ब्लाउज पे टक्स लगाना है। इस तरीके से हमने ले लिया है। उसके बाद आप नेक की मार्किंग ले लीजिए 4 इंच लेंथ वाइज एंड 3 इंच ब्रेथ वाइज। दोनों ही पॉइंट्स को मार्क करते हुए हमने यहाँ कर्व लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब ये सारी मार्किंग एरिया को सिंपली आप सीजर की मदद से कट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे हमारी यहाँ कटिंग हो चुकी है। अब हमें ब्लाउज पे डार्ट लगाना है। तो डार्ट लगाने के लिए सबसे पहले आप ब्लाउज का सेंटर पॉइंट मार्क कर लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ मेरे केस में ब्लाउज का सेंटर पॉइंट आ रहा है 9.5। उसके बाद आप दोनों ही साइड से अगेन सेंटर पॉइंट मार्क कर लीजिए। तो दोनों ही साइड से मेरे केस में आता है 4.5 इंच। उसके बाद वहां से आप अगेन मार्क कर लीजिए 4.5 इंच पे इस तरीके से और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद दोनों ही साइड से आप अगेन मार्क कर लीजिए 1/2 इंच और दोनों ही पॉइंट्स को आप एक स्लांट वे में ज्वाइन कर लीजिए इस तरीके से। सेम यही मार्किंग आपको दूसरी साइड भी दे देना होगा। तो आप देख रहे हैं मैंने दोनों ही साइड पे मार्किंग दे दिया है। अब फैब्रिक को उल्टे तरफ पकड़ते हुए इस तरीके से स्लांट पोर्शन में पकड़ते हुए आपको सिल लेना होगा। इस तरीके से हमारा डार्ट लग जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मैंने यहाँ फ्रंट पार्ट मेरा रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। इस तरीके से हमने डार्ट भी लगा लिया है फ्रेंड्स। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग करनी होगी। तो सेम जैसे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए ज्वाइन किया था नेट को और कॉटन का फैब्रिक जो मैंने बॉटम के लिए यूज़ किया, इस तरीके से मैंने वन अबव द अदर प्लेस करते हुए ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद उसे हाफ में फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद सेम उसी तरीके से हम अपना कोई भी कुर्ती या टॉप फोल्ड करके फोल्डेड साइड पर प्लेस करते हुए हम अपना शोल्डर, आर्मोल्स और साइड की फिटिंग ले लेंगे। उसके बाद हम यहाँ नेक की मार्किंग लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे हमने यहाँ नेक की मार्किंग थोड़ा ज़्यादा लिया है लेंथ वाइज। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। इस तरीके से मैंने 10 इंच लिया है लेंथ वाइज और ब्रेथ वाइज हमने 3 इंच लिया है। फिर जहाँ हमने 10 इंच लिया था वहाँ से भी हमने 2 इंच और ले लिया इस तरीके से और सभी पॉइंट को इस तरीके से यू शेप में ज्वाइन कर लेंगे और इसे सिंपली कट कर लेंगे सारी मार्किंग एरिया को। उसके बाद जो बैक पार्ट का ब्लाउज है उसके सेंटर से भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे क्योंकि बैक साइड से हमारा ओपन रहेगा, वहां हम चेन लगा सकते हैं या बटन भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हमारे बैक ब्लाउज की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे वन अबव द अदर प्लेस करेंगे अपने फ्रंट पार्ट पे, अपने बैक पार्ट को प्लेस करेंगे फ्रेंड्स। प्लेस करने के बाद हम अपना शोल्डर अटैच कर लेंगे, नेक की हेमिंग दे देंगे फ्रंट और बैक पार्ट के और आर्मोल्स को हेम कर लेंगे और जो फ्रंट पार्ट पे हमने कट किया था उसको भी हेम कर लेंगे और बॉटम भी हम हेम कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमने हेम कर लिया है, अपना शोल्डर अटैच कर लिया, नेक हेम कर लिया, आर्मोल्स हेम कर लिया और जो हमने सेंटर से कट किया था बैक पार्ट को उसको भी हेम कर लिया, वहाँ बटन लगा सकते हैं और बॉटम भी हमने हेम कर लिया है। अब हम इसे इस तरीके से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हम अपने फ्रंट पार्ट पे लेस लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे बहुत ही ब्यूटीफुल सी टैसल सी लेस है जो हमने अपने फ्रंट पार्ट पे लगाया है। आप इसे स्टिक भी कर सकते हैं फैब्रिक ग्लू से या ग्लू गन से या फिर आप इसे स्टिचिंग भी दे सकते हैं नॉर्मल से सिलाई मशीन से। इस तरीके से हमने फर्स्ट लेयर लगा लिया है जहाँ हमारा जॉइंट आया नेट और फैब्रिक के। उसके बाद हम बॉटम से इसे लगाना शुरू करेंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से हमने सारी लेस लगा लिया है और ये बहुत ही आसानी तरीके से लगा लेंगे। जब हम एक पे एक लेस लगाएंगे तो थोड़ा सा ओवरलैपिंग करेंगे, उसके बाद हम लेस को लगाएंगे।
और ये बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश और बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट लुक देगा आपके ब्लाउज को। और ये आप देख रहे हैं हमारी लेस लग चुकी है और ये कितना ज़्यादा प्रिटी लग रही है। उसके बाद हम इसे सेंटर से फ्लिप कर लेंगे शोल्डर से और अपनी साइड भी स्टिच कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे हमारा आज का ब्लाउज तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरे आज के सिंपल से वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए कि आपको मेरे आज का वीडियो कैसा लगा। टिल देन थैंक यू फॉर